खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा आजकल। चतुर्वेदी जी किस पाड़े में है यही पता नहीं, आप बताओ वसुंधरा जी के पाड़े में है सतीश जी के पाड़े में है। राजस्थान की बीजेपी इकाई का एक काम जरूर है, वो निम्बाराम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे, उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मैं रहा, मेरा कोई दोष नहीं है, वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ पता नहीं दिल्ली वहाँ छुपने से तो काम चलेगा नहीं, पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बाग केंद्र हो चाहे यहाँ बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कहीं देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं। ये आरएसएस की फितरत में है, पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा कोई वास्ता नहीं करना, और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाना, ये उनकी फितरत है। बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूँ ये आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है, वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इसमें पछतावा नहीं करते हैं, ये माफ़ी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है।